जय हिंद, नमस्कार। सभी पूर्व सैनिकों का सैनिक समाचार इंडिया में एक बार फिर स्वागत है। पैसा नहीं है, ORP-2 लटकेगी, ORP-2 के एरियर पर आई एक ताज़ा अपडेट। साथियों, सरकार के पास 15 दिसंबर 2022 तक समय है। 15 दिसंबर तक सभी डिफेंस पेंशनर्स को, जिनको ORP-2 लागू है, उनको एरियर भी देना है और उसके बाद बढ़ी हुई पेंशन भी लागू करनी है। लेकिन जैसे जैसे 15 दिसंबर 2022 नज़दीक आते जा रही है, ORP-2 का मामला फिर से जोर पकड़ते जा रहा है। अभी तक ORP-2 के ऊपर सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही दिसंबर का महीना नज़दीक आने लगा, ORP-2 के ऊपर चर्चाएं बढ़ने लगी। देश के तमाम पूर्व सैनिक सरकार से ये उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि सरकार तय समय पर हमें ORP-2 का लाभ दे देगी। लेकिन मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब को ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी फंड के नाम पर, यानी सरकार के पास पैसा नहीं है, ORP-2 के नाम पर बजट अलॉटेड नहीं है, इसके नाम पर ORP-2 को लटका सकती है। इसी के बारे में उन्होंने एक ट्वीट किया और उसी ट्वीट का विश्लेषण आज हम इस वीडियो में आगे करेंगे। तो आइए मैं सीधा आपको उस ट्वीट पर लेकर चलता हूँ, आपको दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में समझाऊंगा, जिससे आपको भी ये पता चल सके कि ORP-2 के ऊपर लेटेस्ट न्यूज क्या चल रही है। ये ट्वीट 26 नवंबर 2022 को किया गया है। ORP, गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो इंटेंशन टू पे एरियर्स, फंड्स नॉन अवेलेबिलिटी बीइंग कोटेड रीजन अनटेनेबल, नोट मेंशन इन HSC, गवर्नमेंट कंपेलिंग एक्स सर्विसमैन फाइल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, एक्स सर्विसमैन बीइंग ड्राइवन टू इंटेंसिफाई प्रोटेस्ट मूवमेंट लाइक 2015। यानी ऐसा लगता है कि सरकार का बकाया भुगतान करने का कोई इरादा नहीं है, फंड की अनुपलब्धता का कारण बताना सही नहीं है, जिसका HSC में उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार एक्स सर्विसमैन को न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई के लिए मजबूर कर रही है और एक्स सर्विसमैन को 2015 की तरह विरोध आंदोलन तेज करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने दो तीन अपने इंटेंशन बताए हैं कि एक तो सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब टाइम एक्सटेंशन की पेटिशन दायर की थी, तो उस समय फंड नहीं करके ऐसा कुछ नहीं बताया। और दूसरा, यदि ऐसी बात है कि सरकार अभी भी ORP-2 देने के लिए राजी नहीं है, तो इसके बाद एक्स सर्विसमैन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, और ज़्यादा यदि मजबूर किया गया तो जैसे 2015 में एक देशव्यापी मूवमेंट ORP के नाम पे चलाया गया था, और उसी प्रकार के विरोध आंदोलन को दोबारा से चलाने के लिए सरकार एक्स सर्विसमैन को मजबूर कर रही है। अब साथियों, आउटकम, यानी यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई एक्स सर्विसमैन द्वारा की जाती है, तो ये मामला फिर से सब जुडिस हो जाएगा, यानी न्यायालय के अधीन हो जाएगा, और सरकार भी यही चाह रही है कि एक्स सर्विसमैन द्वारा इस मामले को दोबारा से न्यायालय में ले जाया जाए, ताकि एक साल उनका और निकल जाए और 2024 में इलेक्शन से एन वक्त पहले वोट की राजनीति के चक्कर में ORP-2 की घोषणा कर दी जाए और साथ में एरियर भी दे दिया जाए और बढ़ी हुई पेंशन भी एक्स सर्विसमैन को दे दी जाए। तो साथियों, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आपकी राय सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, इसलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। यह थी छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।